रेशमी जुल्फें और ये खूबसूरत आंखें। वेल, अगर जुल्फों की बात की जाए, मेरा मतलब बालों की बात की जाए, तो हर लुक को कंप्लीट करने का काम हेयर स्टाइलिंग का होता है। विद एवरी न्यू लुक देयर इज अ डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग, विद एवरी अदर फेस स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग। वैसे इतनी स्टाइलिंग करने के बाद हमारे बालों को जरूरत पड़ती है हेयर केयर की। सो इन टुडेज वेकअप मेकअप वी आर मीटिंग अर्जुन ढिंगरा। He's a professional hair consultant and an amazing hair stylist. Hi. Hi. So, आप हमें बताइए, face structure होता है, face shape होता है, बहुत अलग-अलग होता है। तो उसमें लोग कैसे decide करें कि कौन सा hair style उनको लेना चाहिए? अगर आपके पास एक broad face है, तो हम इसको makeup से तो contour करते ही हैं, we know। लेकिन हम इसे hair से भी contour कर सकते हैं। Cheeks को हमें टूर करने के लिए हमारा मोस्टली हेयर जो होना चाहिए ओपन स्टाइलिंग होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मन है कि मुझे ओपन स्टाइलिंग नहीं करना, तो आप आगे से 2 से 4 फ्लिक्स निकाल सकते हैं, तो इससे आपका फेस शेप जो है वो छोटा लगेगा। अगर आपका फोरहेड इज ब्रॉड, तो मस्ट ट्राई साइड पार्टिंग्स। जिन लोगों का बहुत ब्रॉड फोरहेड होता है, दे कैन ऑल्सो ट्राई बैंग्स द हेयर स्टाइल। बहुत पुराने टाइम में साधना कट हुआ करता था। साधना कट आज के टाइम में दोबारा से ट्रेंड में आ चुका है, और वो एक थोड़ी लेटेस्ट टेक्निक से आ चुका है, जिसमें कि आपका फोरहेड जो है छोटा दिखेगा। आपके शादी फंक्शंस हो गए, आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, तो उसमें वो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हेयर स्टाइल उन पर सूट करेगा? इवेंट अगर आपका डे इवेंट है, और इवेंट अगर आपका एंगेजमेंट है, और आप जो हैं एक वन पीस गाउन डाल रहे हैं, तो आजकल स्लीक लुक का बहुत फैशन है। तो आप एक स्लीक लुक प्रेसिंग भी करेंगे तो बहुत एलिगेंट लगती है। अगर आपका थोड़ा हैवी फंक्शन है, वेडिंग में जा रहे हैं और आपका लहंगा है, तो आप हैवी वॉल्यूमाइज कर्ल्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपका मेकअप कम है, तो आप हेयर को लाउड कीजिए। अगर आपका मेकअप लाउड है, तो आपको हेयर को थोड़ा मिनिमम रखना चाहिए। We also use hair sprays on our hair. Does that damage our hair? अगर आप regular basis पे ऐसे sprays लगाएंगे, ऐसे styling product लगाएंगे, तो आपके hair की quality damage होगी। अगर आप रोज ना styling करते हैं, तो आपको heat protector लगाना चाहिए। तो regular styling, regular head wash, regular hair spas. Whenever we are wearing a natural look, क्या हम कोई hair style carry कर सकते हैं? अब open styling में हम क्या कर सकते हैं? हम एक pony बांध सकते हैं, साइड पार्टिंग करके यहाँ से टक करके साइड में ओपन कर सकते हैं। ओपन स्टाइलिंग इज द माई फेवरेट स्टाइलिंग। आप क्या कीजिए, एक जो हेयर कट सूट करता है, आप एक अच्छा सा हेयर कट कराइए और उस हेयर कट को फ्लॉन्ट कीजिए। चलिए अब देख भी लेते हैं कैसे ये स्टाइलिंग की जाती है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो मेरे लिए आपने कौन सा लुक सोचा है? आपका जो फेस है, उसकी फीचर्स को और एनहांस करने के लिए मैंने सोचा है एक पोनी टेल। लेट्स स्टार्ट विद द हीट प्रोटेक्टर। हीट प्रोटेक्टर को यूज़ करने का तरीका भी आप देख लीजिए, सेक्शन बाय सेक्शन। अब मैं इसको, जो प्रोडक्ट मैंने आपको लगाया, वो मैं मर्ज कर रहा हूँ। हीट प्रोटेक्टर भी है, और ये आपके बालों को सॉफ्ट भी करता है, कंडीशनिंग भी करता है, तो आप ये आफ्टर वॉश भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक हमारी हेयर ड्राइंग कम्प्लीट हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज इट्स अ टी सेक्शन। हमने आगे के बालों को आगे रख दिया, और ईयर टू ईयर एक बैक सेक्शन लिया। इस बैक सेक्शन को हम एक पोनी बनाएंगे। अब सेल्फ भी जब पोनी बनाते हो, तो सारे बालों को एक साथ पोनी बनाते हो, जिससे क्या होता है, आपकी पोनी लूज हो जाती है कुछ देर के बाद। दिस इज अ प्रो टिप। आप बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, और पहले आप इसको एक सेक्शन में डिवाइड कीजिए, देन मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा। इस रबर बैंड को मैं खींचता रहूँगा, इसे ट्विस्ट करता रहूँगा, जितना मैं टाइटली मैं इसको ट्विस्ट कर सकता हूँ। जब हम आपका फ्रंट पार्ट को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम कॉम को डायरेक्ट 90 डिग्री पे नहीं कर रहे, हम लेटा के कॉम को कर रहे हैं, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि लाइंस नहीं बनेंगी। नाउ हमारी पोनी बन चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिनिशिंग। अगर आप इसे फ्लॉन्ट करते हैं, तो एक बहुत एक कॉन्फिडेंट फीलिंग आ रही है आपको।
इतने सारे डिफरेंट स्टाइल्स देखने के बाद आप भी इन्हें ट्राई कीजिए, आप भी घर पे इनको एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपना हेयर रूटीन एलिवेट कीजिए। वेल दिस वाज मेक वेकअप मेकअप। और जब आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो खासा ध्यान दें कि स्टाइलिंग के साथ साथ अपने बालों का भी ध्यान रखें, अच्छे से कंडीशनिंग करें, हेयर कर करें। जैसे स्किन केयर होता है वैसे हेयर केयर भी बहुत ज़रूरी होता है।